दोस्तों, पिछले कुछ समय से गैरकानूनी पाकिस्तानी ड्रोन भारत के लिए एक काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आए थे, जिनसे निपटने के लिए कई अलग अलग तरह के विकल्प विकसित किए जा रहे थे। पर अब भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी रिसर्च क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिससे हम दुनिया के किसी भी ड्रोन को एक काफी बड़े इलाके में आने से पूरी तरह से रोक सकते हैं। यानी यह एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल किसी डोम की तरह होगा जो एक काफी बड़े इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकता है। वहीं इतना ही नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल से हम ड्रोन के अलावा भी कई और तरह के हवाई खतरों का सामना कर सकेंगे, जो भारत को पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन और दूसरे खतरों का सामना करने के लिए एक काफी अच्छा विकल्प दे रहा है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे एक भारतीय प्राइवेट कंपनी ने ही विकसित किया है। साथ ही इसे बनाने के लिए इतने एडवांस तकनीक और सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा कि इसकी तकनीक देखकर खुद चीन भी हैरान है। दरअसल दोस्तों, हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल को भारत के हैदराबाद में बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया है और इसकी डेमोंस्ट्रेशन इस साल के पहले 6 महीने में ही किया जाएगा। यानी इस साल के जुलाई महीने तक हमें इंद्रजाल सिस्टम का डेमोंस्ट्रेशन साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये सिस्टम अपनी सभी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए ये बात साफ कर देगा कि इसका इस्तेमाल हम अपने नेक्स्ट जनरेशन एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर भी कर सकते हैं, जो भारत के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में अब तक की सबसे बड़ी छलांग होगी। इसी वजह से भारत के इस सिस्टम पर चीन से लेकर अमेरिका तक की नजरें टिकी हुई है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी होने वाली है कि इंद्रजाल किसी छोटे मोटे इलाके को नहीं बल्कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को किसी भी हवाई खतरे से सुरक्षित रख सकता है, जिसके तहत इसमें लगे मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता 40 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक की होगी, जो कि इसे इतना सक्षम बनाता है कि ऐसा सिर्फ एक ही सिस्टम पूरी दिल्ली शहर को सुरक्षा प्रदान कर सके। यानी आप समझ गए होंगे कि इंद्रजाल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसकी सफलता हमें हवाई सुरक्षा के क्षेत्र में कितना आगे ले जा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ इंद्रजाल सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ छोटे ड्रोन को ही नहीं बल्कि हेल और मेल कैटेगरी के ड्रोन के साथ साथ यूएवी और लॉयटरिंग मुनिशन को तबाह करने के लिए भी किया जा सकता है, जो इसे सही मायने में एक सर्वश्रेष्ठ एंटी ड्रोन डोम सिस्टम बनाएगा। बता दें कि ये अपनी तरह का पहला सिस्टम होने वाला है जिसे भारत की कोई प्राइवेट कंपनी खुद विकसित करेगी, और अगर इसका डेमोंस्ट्रेशन सफल हो जाता है तो ये हमारी प्राइवेट डिफेंस कंपनियों के लिए भी एक काफी बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने आएगा। वहीं पर अगर हम इंद्रजाल के पास मौजूद अलग अलग तरह के हार्ड किल और सॉफ्ट किल सिस्टम्स की बात करें तो इंद्रजाल के पास स्मार्ट मिसाइल, नेट लॉन्चर्स और अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर तैनात किए गए माउंटेड मशीन गन का एक बड़ा सिस्टम मौजूद होगा, जिसे एक साथ इस्तेमाल करने पर इंद्रजाल किसी भी तरह के हवाई खतरे को मात्र कुछ ही मिनटों में तबाह करने की क्षमता रखेगा। इसी के साथ इस सिस्टम के पास सॉफ्ट किल की भी क्षमता मौजूद होगी, जिसे इस्तेमाल करने के लिए इंद्रजाल को जैमर्स और लेजर हथियारों से भी इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही इंद्रजाल सिस्टम के पास रडार और सेंसर का एक बहुत ही एडवांस कॉम्बिनेशन मौजूद होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। यानी इसके रडार और सेंसर इतने सक्षम होंगे कि हम हवा में उड़ रहे किसी भी तरह के हवाई खतरों को काफी पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये सारा सिस्टम ऑटोनोमस होकर काम करेगा, यानी ज्यादातर समय हवाई खतरों को डिटेक्ट करने के लिए किसी जवान को तैनात रहने की जरूरत नहीं होगी। ये सिस्टम अपने आप में ही इतना सक्षम होगा कि खतरे को डिटेक्ट करके उनकी जानकारी दे सके। मतलब अगर हम इंद्रजाल सिस्टम को भारत के एक नेक्स्ट जनरेशन एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिस्टम हमारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शहरों को काफी अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकता है, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले हमें हमारे बड़े शहरों और बॉर्डर एरियाज में करना चाहिए, क्योंकि इन इलाकों में अक्सर पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले ड्रोन और दूसरे उपकरणों का खतरा बना रहता है, जिन्हें काउंटर करने में इंद्रजाल काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही इस सिस्टम को हम एक देसी आयरन डोम भी कह सकते हैं, जिसे अगर भारत द्वारा विकसित किए जाने वाले BMD सिस्टम के साथ जोड़कर देखा जाए तो इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आने वाले 4 से 5 सालों में भारत के पास विश्व का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा, जिसमें काफी सारे चरण मौजूद होंगे, और इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के जाल को तोड़ना किसी भी देश के बस की बात नहीं होगी, जो कि हमें न कि सिर्फ ड्रोन और लॉयटरिंग मुनिशन जैसे छोटे खतरों से सुरक्षित रखेगा बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरे भी नाकाम हो जाएंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में भारत की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां काफी अच्छा काम कर रही है, जो 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में काफी जरूरी साबित होगा, और इस वजह से हर भारतीय को हमारी कंपनियों पर गर्व जरूर होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।